हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्शन प्रो का मैंने जो हेलमेट का चेन माउंट मंगाया। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। इस तरीके की आपको कुछ पैकिंग मिलेगी, एक्शन प्रो का है। ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन जो मैंने अमेजोन से मंगाया, ये मुझे 499 में मिला है। MRP ₹499। कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, रिव्यूअर्स ऑन एक्शन प्रो, इंस्टाग्राम पर इसका बारकोड दिया हुआ है। ये रिव्यू के लिए, लीव योर वैल्यूएबल रिव्यू, इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट है। ये माउंट दिया हुआ है, इस पर अपना जो फोटो है वो फिक्स कर सकते हो। लेफ्ट एंड राइट स्ट्रैप्स दिया हुआ है, और यहाँ पर ये क्लिप भी दिया हुआ है ताकि आप इसको लॉक कर सकें। क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक वगैरह इसका ही निकला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। एक्शन प्रो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आप देख लो, ये अनबॉक्सिंग का प्लास्टिक कुछ इस तरह का ये निकला हुआ है बाहर, विच इज़ नॉट गुड। दोनों साइड इस तरीके का ये ठीक से बिठाया नहीं हुआ है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो के जो कमेंट है उसमें आप कमेंट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये इस तरीके का प्लास्टिक सभी को मिला है, क्या मुझे कुछ डिफेक्टिव पीस मिला है, पता नहीं, ये तो ऐसे ही होता होगा। ये सॉफ्ट कुशनिंग रबर है, और इस तरीके का कुछ स्ट्रैप्स है। ये माउंट करना था लेकिन ये कुछ प्लास्टिक का प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर, इसलिए सोच रहा हूँ कि ये रिप्लेस कर दूँ, पता नहीं। अभी सब प्रोडक्ट में इस तरीके का प्रॉब्लम है कि ये ऐसे ही बना हुआ है, कोई आइडिया नहीं है। सो एक्शन प्रो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वैसे तो मैं इस पर आपको व्हाट्सएप पे इस वीडियो का लिंक भेजूँगा, अगर ये प्रोडक्ट ऐसा ही है कि ये मुझे रिप्लेस करना है, कि ये कुछ डिफेक्ट है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रोडक्ट आपसे मंगाया है। बाकी सब तो ठीक लग रहा है, जैसा हेलमेट होगा वैसा ही है शेप लेगा।
ये मुझे माउंट करना था, लेकिन अभी आपके रिव्यू रिव्यू तो बना रहा हूँ मैं, ये मुझे एक्चुअली माउंट करना था, लेकिन ये छोटा सा कुछ प्लास्टिक का इशू लग रहा है, इसलिए मैं माउंटिंग अब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, एक्शन प्रो से हम बात करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, देख लेते हैं, फिर आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ठीक है, एक्शन प्रो से मैं व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू जैसा भी उनसे कांटेक्ट करता हूँ। अगर ये वाकई में कुछ अगर डिफेक्ट है तो ये मैं उनसे रिप्लेस करवा दूँगा, कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया हूँ। लेट्स सी। तो मेरा जो एक GoPro है वो इस पे माउंट करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये इस तरह का हेलमेट पे ये लग जाएगा और GoPro जो है वो इस पर ऐसे लग जाए। ये स्क्रू है, स्क्रू इसी के साथ मिला है जैसा कि आपने देखा। तो अच्छी तरह टाइट किया जाए, बेसिकली हेलमेट पे फिट करने के बाद जो भी एंगल होगा हमारा, तो एंगल के हिसाब से इसको टाइट किया जाए ताकि हमें पता चले कि व्यू कैसे मिल रहा है। अच्छी तरह से ये टाइट हो गया है, वैसे तो ये स्टेबल है। टाइट करने के बाद कि ये स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मोटो व्लॉगिंग करोगे, कैमरा हिलता रहेगा, वाइब्रेशंस होगा, और इतना महंगा कैमरा जो है GoPro, कभी गिर गया और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, स्टेबल है। स्ट्रैप्स एक बार इसके चेक कर लेते, प्लास्टिक क्वालिटी पता नहीं अभी। ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, ये देखो ये गैप दिख रहा है आपको, ऑलरेडी डिफेक्टेड पीस मिला है मुझे, ठीक से ओपन भी नहीं हो रहा है, और इसमें साउंड आ रही है प्लास्टिक की। ये देखो, ये जब मैं ओपन करूँगा ये आवाज आ रही है, और यहाँ पर ये गैप देख सकते हो, ये मुझे रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ये तो स्ट्रैप की वजह से GoPro खतरे में आ सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये प्रोडक्ट मुझे रिप्लेस करना ही होगा, इट्स अ डिफेक्टिव पीस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. गुड बाय. टेक केयर.